अच्छा ये आतिर भाई के पास आते हैं ना तो वो चाय पीते हैं लाजमी। वैसे गर्मी हो रही है बहुत कराची में, लेकिन अभी शाम का वक्त हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन चाय। ये तुम मोबाइल देख रहे हो ना, ये तो मोबाइल देख रहे हो, ये पूरे की कीमत का तो सिर्फ मोबाइल है। हाँ आधा है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें वीडियो अच्छी बनती है। पूरी कीमत क्या है भाई, दो आ जाएंगे पूरी कीमत? नहीं 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 नहीं, नहीं दो नहीं आएंगे, एक ही आएगा। मैं नहीं मानता, मैं तो टाइम लगाते हैं काम में तो अच्छा है, लेकिन बस लेट थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया ना यार। अपन छोटी ईद समझी थी, मैंने कहा छोटी ईद से पहले मिल जाएगी गाड़ी, लेकिन ये है कि अब बकरा की खतरे में लग रही है मेरे को। ये तीन दिन में इतने इतना काम खींचा है यार, अभी से किया है काम किया, वो वीडियो के प्रेशर में किया है इसको। वीडियो बनाई है उस दिन और इसको बड़ा परेशान किया है, बहुत तंग किया है इसको। इस चक्कर में इसने बोला यार अब तो बनानी पड़ेगी, अब तो ये जान नहीं छोड़े, अब तो काम करके देना ही पड़ेगा। उसने बोला कि अब काम करते हैं शुरू, बाकी अलर्ट्स वगैरह भी डाल दिए दिखावे के लिए कि, लेकिन वायरिंग बिछाई है तो ज़ाहिर है उसने ये सब काम करना था। बुफर तो लगा, अब आखिरी की चीज़ है ना ये, इसने बोला हुआ है अपन को, नहीं नहीं इसने बोला, जबान हुई है यार, इसने बंदे ने बोला है कि बुफर मैं तुमको दे दूंगा, तो बुफर जब मिल जाएगा तो वो तो आखिरी काम है, जब ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर अपन इससे देखेंगे बुफर लगाएंगे, देखते हैं। LCD पैनल लगाना हुआ तो छोटा सा एंड्रॉयड प्लेयर इसमें लग सकता है, वो भी लगा लेंगे, एंड्रॉयड प्लेयर भी लगा लेंगे। बाकी कंप्रेसर क्या बोल रहा है, ये मीरा का कंप्रेसर है? हाँ अगर मीरा का है तो फिर तो AC में जान होगी, लेकिन मेरा 2010 वाली आती है ना, उसमें ये होता है तीन डोर आती है, तुझे को पता, तुझे याद है अपन ने एक बार देखे भी गए थे, थ्री डोर आती है भाई 2010 वाला मॉडल, ये हो सकता है उसका इंजन हो, कन्फर्म नहीं है, मुझे लग रहा है थ्री डोर वाले मीरा का इंजन हो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉडी रेशो उसका भी यही है, उसका भी यही है, और टॉक और न्यूटन तुमने देखा ना, मैंने वीडियो में बताया था, टॉक और उसमें भी फ़र्क नहीं है, और स्वाव और टॉक में भी कोई 19-20 का ही फ़र्क है, डोर का फर्क है उसमें, साइज छोटा बड़ा, हाँ बाकी मेरी नज़र में तो 19-20 का फ़र्क भी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अगर आ गया आधे का तो फिर वो अलग बात है, वरना स्पीड वगैरह में पिकअप वगैरह में मेरी नज़र में कोई इतना कोई इशू नहीं आएगा। यार तुम मुझे गाड़ी बताओ कब दोगे, तो थोड़ा बहुत काम रहता है इसमें, ज़्यादा काम नहीं रहता, नहीं तुम इधर आओ तुम्हें और गर्मी होगी इधर। अभी तुम बताओ और कितना कितने दिन लगेंगे, तुमने वायरिंग भी बिछा दी, अब तो 4-5 दिन का काम है, अब दारा इससे ज़्यादा का काम तो नहीं है, मैकेनिकल काम तो तुमने बोला मेरा तरफ से हो गया है, तो फिर अब गाड़ी अब जाहिर बात है एक ऑन होगी रोड पे चलेगी, तो उसमें थोड़ा बहुत तो फॉल्ट आएंगे ना, फॉल्ट नहीं आएंगे, काम बताती है कि ये वो है अपनी तरफ से। रूफ का क्या करना है, रूफ का क्या करना है, ये बताओ, फाइबर वाली साइबर वाली होती कैसी है, मुझे दिखाओ तो, लगी हुई है किसी गाड़ी में, इस गाड़ी में लगी हुई है, कैसी होती है साइबर वाली, हम भी देखें ये तो होती है ना यार। ये फाइबर वाली और एक जो सॉफ्ट वाली नरम वाली होती फोम वाली वो ये थोड़ी इसमें लगी हुई है, ये सही तो लगी हुई है ये वाली, लेकिन मसला यही है पुरानी हो गई है थोड़ी, इस वजह से ये दब गई है। नहीं 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 यार, एक दूसरी आती है ये वही वाली है, लेकिन ये पुरानी हो गई है, दब गई है थोड़ी सी। अच्छा जी, वो तो एक कपड़ा आ रहा है बस, थोड़ा सा उसमें पतला सा, कपड़े वाली होती है, एक ही कपड़ा होता है, कौन सी वही वाली कोरे जो उसके बाद 25 साल से खड़ी है ना। ये भी तो फाइबर वाली लगी हुई है यार, कपड़े वाली कहाँ है, ये वही है सेम टू सेम है, वैसी की वैसी यही है, दोनों एक ही लगी हुई है, जाके चेक कर लो, दोनों में एक ही लगी हुई है, पूरी वायरिंग हो गई, ये थोड़ा बहुत काम रहता है। ये
कितना दिन लगेगा? इसको करना ये चाहिए, इसको ये करना चाहिए, एक दिन इसको पूरा लगा देना चाहिए ये कोरे पे, तो पूरा दिन लग जा, पूरा दिन ये उसी पे लगा रहे, काम फिनिश करके दे देगा उसको। ये भी कोई भी दूसरे दूसरे कामों में लगा देता है वो, तो फिर कैसे काम होगा एक गाड़ी का? भाई अगर मैं सुबह लगूँ ना शाम तक चालू होगी? दिखा दे भाई सेल्फ मार के, हम भी खुश हो जाएंगे, हमारी गाड़ी का हमने आवाज़ सुन लिया, सांस तो है इसमें। हफ्ते वाले दिन, हफ्ते का क्या तुम लोगों ने मुहूर्त निकाला है क्या? सारे काम तुम लोग हफ्ते को करते हो, हफ्ते वाले दिन शुभ दिन होता है, हर काम सामान इसमें रखा हुआ है और हम बिला वजह के खुश हो रहे हैं कि यार अच्छा इतनी बड़ी HID लगेगी इसमें। कहाँ पड़ी हुई है, तूने कहाँ से उठाई थी? कहाँ पड़ी हुई है ये HID है भाई? क्या वॉट है इसका? LED ऑटो LED हेडलाइट 36 वॉट 800। ये तो अपन ने लगाई थी ना वो उसमें कोरे में, मैंने कोरे में यही वाली लगाई थी, पिछली वाली कोरे में वो बड़ी हुई ना हमारे पास 100। नहीं वो C6, वो तो यार हल्की है, बहुत लाइट है, इसके लिए ये C6 अच्छी है, मैंने कोरे में लगाई थी। मेरे ख्याल से ये फोग में लगेगी, ये फोग में लगाएगा ये वाली इतनी हैवी। हाँ हाँ, तो यार गाड़ी भी तो हैवी है ना यार, जिस हिसाब की गाड़ी उस हिसाब का ये लगाएगा सामान, ये लगती है ना बड़ी गाड़ियों में यही लगती है। हाई लो में लगेगी, फोग में ना लगेगी। अरे भाई ये लगती है यार के फोग में लगती है, बड़ी गाड़ियों में ये फोग में ही लगी हुई होती है, छोटी गाड़ियों में ये हेडलाइट में लग जाती है, बड़ी गाड़ियों में। अब तो उसका पूरा साइज़ तो देखना, उस साइज़ के हिसाब से ये इसके लिए भी छोटी है, लेकिन देखा जाए तो एक चीज़ अगर और हो जाती ना इसमें, वो RPM वाला मीटर आ जाता ना, अच्छा लगता, थोड़ा फील आती कि चलो यार। लेकिन चलो खैर, कुछ ना मिलने से मिलना बेहतर है। ये जो है बगैर ऑटो वाला, ऑटो वाला ब्रेकेट के बगैर इंजन बैठेगा ही नहीं, इसने एक्स्ट्रा ब्रेकेट लगाए इस पर। असल में जो इंजन चाहिए था वो इंजन फिर मिला नहीं ना, इसने ये वाला जो इंजन डाला है ये ब्रैकेट से बैठा है, इसलिए तो ये दूसरों को मना करता है कि नहीं भाई अब ये इंजन नहीं डालना, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। एक डेढ़ हफ्ता तो उसको सिर्फ बिठाने में लगा है, हाँ उससे भी ज़्यादा सिर्फ इस इंजन को बिठाने में लगा है, क्योंकि ये इंजन वो गाड़ी का इंजन होता है वो उसमें तो एग्जैक्टली फिटिंग से बैठता है, लेकिन ये इस गाड़ी का इंजन नहीं है ना, तो उस वजह से इसको थोड़ा मुश्किल हुई है बिठाने में। लेकिन ब्रैकेट लगे हैं तो ब्रैकेट से बैठ जाता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम, और लोग चाहते हैं कि आसान काम हो जाए तो सही है, मुश्किल काम में हर कोई हाथ डालना आपको पता चाहता नहीं है, लेकिन नासिर भाई ने मुश्किल काम में हाथ डाला है, डलवाया है हमने, डाला तो उन्होंने है लेकिन डलवाया हमने कि भाई ये इंजन चाहिए, क्योंकि पहले मैं ढूंढ रहा था 2008 वाला इंजन, 2008 वाला इंजन नहीं मिला, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूती है, पायदारी जिसे कहते हैं ना उस इंजन में ज़्यादा वो है, लेकिन वो मिला नहीं, तो मैंने सोचा चलो यार 2010 वाला ही अगर मिलता है, अब वो तो जेन्युइन फिटिंग में बैठ जाता उसका इंजन ना, वो वाला इंजन तो इसकी जेन्युइन फिटिंग में बैठता, जैसे ये बैठा हुआ है इस तरह नहीं, ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा सीधा बैठ जाता, ठीक है। लेकिन ये वाला इंजन फिर लेट भी हो रहे थे, और मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया काफ़ी लेट हो गया था इंजन की वजह से, फिर मैं चाह नहीं रहा था ओल्ड लेट हो, फिर उन्होंने कहा कि भाई 2010 वाला मिल रहा है, मैंने कहा उठा लो भाई 2010 वाला, मैंने कहा मुश्किल बल्ले हो लेकिन इसको बिठाना है, तो फिर ये उठाया, और उस वक्त मैं थोड़ा आउट ऑफ सिटी था, इस वजह से मैं वो शूट नहीं कर पाया, वरना मैं आपको दिखाता कि कितनी मुश्किलों से ये इंजन बैठा है इसमें। इसकी आवाज़ तो सुना दो, आवाज़ सुन लेते हैं गाड़ी की। आ जाओ भैया, आ जाओ, ये मीटर ऑन हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत करंट आया गाड़ी में, मीटर की तो बना लो। हाँ मीटर देख लिया मैंने, देखो चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। नया नया होता है, चल रहा है भाई, चल रहा है मीटर भी, चल रहा है। मारो मारो सेल्फ मारो, सुन लेते हैं आवाज़, EFI इंजन की आवाज़ सुन लेते हैं। एयर सस्पेंशन लगाया भाई, चालू होगी तो सुनूंगा ना, बस इतना थोड़ी होता है। और
दे साले तभी मैं माफ करना हूँ गुस्से में। दो स्टार्ट हाँ सेल्फ लग बस सही हटा दो ठीक है। ये तो वही वाली बात हो गई मुंह को आया लेकिन काहे की तसल्ली यार। चलो खैर थोड़ा सा हमने सुन लिया इसको, इसकी सांस है इसमें हमने सुन। कहाँ चल रहा है ठीक वो बैटरी लगा पावर विंडो भी चेक कर लेते हैं चलता है नहीं चलता किस तरह स्पीड की है विंडो की तो बंद है। चलो चेक करो भाई लाइट जल गई। लाइट भी जलती है भाई बस पीछे के चढ़ा दो पीछे के क्या स्पीड है यहाँ से भाई पीछे के चढ़ा दो और फ्री हो जाएंगे सर्दी तकलीफ होगा ना। हाँ ये थोड़ा सा जाम होगा आराम से ये वाला चढ़ा ये देखें भाई शीशे भी वर्किंग में आ गए हैं। नीचे कर नीचे भी हो रहे हैं पावर विंडोज काम कर रही हैं। आप थोड़ा जान में जाने बस बंद कर दे पहले नहीं झूठ की बात नहीं है हमें देख लिया ना देखो एक चीज देख ली तो फिर और दिल को राहत आ जाती है कि हाँ यार चलो जो बोल रहे हैं वो काम हुआ है। नींद तो जब आएगी जब मैं फिर चला रहा हूँ इससे पहले नींद नहीं आएगी। चले जी देख लिया भाई आपने पावर विंडोज भी वर्किंग कर रही है और सेल्फ भी लग रहा है। ये तुमने काम बात की ना अगली बार हम आएंगे एसी की हवा भी चेक कर लेंगे कि एसी कितना वर्किंग में है।